नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले तो नागपंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आज हम जो अनुपमा की एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आज के समय का, पहले भी था और सदियों से चलता आया है, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे ऑडियोज आज के इस विषय के ऊपर आए हैं क्योंकि करंट टॉपिक अनुपमा में यही चल रहा है, और मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही बात करते हुए नजर आए हैं, और वो है न्याय की बात। तो आपके ऑडियो सुनाती हूँ क्योंकि आज की कड़ी आप सबको भी बहुत पसंद आई है। तो क्या कहा है आपने, चलिए इस पे जो है रोशनी डालते हैं, देखते हैं, सुनते हैं क्या कहा है आपने। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया क्या कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये शायरी मैं ही लिखती हूँ, मैं योर कोट ऐप पर शायरी लिखती हूँ, और जो भी सिचुएशन के हिसाब से होता है वही लिख देती हूँ। वैसे धन्यवाद आपका, आपको मेरी शायरी अच्छी लगी। डिम्पी की कड़क जुबान पर रोक लगाएगी समर की खामोशी, घर को युद्ध का मैदान नहीं बनने देगी समर की खामोशी। अपनी इस ताकत के बलबूते पर ही समर डिम्पी को झुकाएगा, चुप्पी वो हथियार है जो शब्दों का वजूद मिटा देता है। आत्मसम्मान खोकर भी बाकी प्रेम की माला जप रही है, प्रेम से भी जरूरी है आत्मसम्मान, पहले खुद को तो का वजूद तो कायम रखो, बाद में प्रेम की पींगे बढ़ाना, न जाने क्यों ये ही पाकी समझ नहीं पा रही है। वो कहते हैं ना कि एक चुप और सौ सुख, अधिक पाखी पर अपना हाथ उठाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने फेलियर होने के निकाल रहा है, और जब तक अधिक पर बरखा के दिए संस्कार रहेंगे तब तक वो सुधरा है ना ही सुधरेगा, इसका कल्याण तो अनुपमा के हाथों होना ही लिखा है। पाखी का पूरा घर वेलविशर बना हुआ है, फिर भी पाखी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि वो गलत कर रही है। सब पता है पाखी को कि दोनों भाई बहनों ने बिजनेस में क्या घोटाला किया है, फिर भी आज अनुज को उसने आज तक बताया नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि उसने अधिक को धमकी दी है कि मैं बता दूंगी, मगर बताया अभी तक कुछ भी नहीं है। इस हिसाब से तो वो अधिक की सगी ही लग रही है। अगर सही गलत का अंतर इतना ही पता होता तो ये हरकत वो कभी भी नहीं करती। घरेलू हिंसा भी तभी रोकी जा सकती है जब तक विक्टिम खुद कोई स्टैंड ना ले, यहाँ तो सभी समझा कर हार गए, लेकिन विक्टिम ही तैयार नहीं है। मगर अनुपमा भी हार मानने वालों में से तो है नहीं, वो अधिक की तो बैंड बजाकर ही रहेगी। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी आपके ऑडियो के लिए, और मुझे लग ही रहा था कि आपकी अपनी शायरी है, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप बहुत अच्छी शायरा हो, और आगे भी आप ऐसे ही अपनी शायरी से हम सबको नवाजते रहिए। थैंक यू सो मच। और आपने जो कहा है कि अनुपमा बैंड बजाएगी अधिक की, तो वो तो बजनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज शो में जो देखा ना अंजू जी, अनुपमा के वो पाँच पन्ने का वचन सही का आपने बिल्कुल भी नहीं लगा। आज तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ और अपनी बेटी के लिए जो तड़प उसको समझा रही है, हर कोशिश की, हर प्रकार से समझाया, अपनी बात समझाई, अपने समय की बात बताई, ये क्यों सहन करिए। जो जो पाखी ने उस पर उसको जवाब दिया, उसका हर उत्तर वो जवाब दे रही है, सब कह रही है पर पाखी के समझ में नहीं आ रहा। तो आपने कहा ना अंजू जी, वो बात सच में आज अनुपमा की बात दिल को छू गई, दिल तार तार कर गई, आँख में आंसू ही आंसू थे। और जब आपने कहा एक हर माँ समझेगी अनुपमा की ये बात, तो कैसे ना समझे अंजू जी, मेरी तो खुद की बहन के साथ ऐसा हुआ, तो मैं कैसे ना समझूं, और कैसे कह दूं कि आज का शो मुझे अच्छा लगा। नहीं बोलूंगी मैं कि आज का शो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज दर्द दिखा, उस दर्द में तो आने वाला ट्रैक अच्छा होगा, जीत होगी पाखी की, को न्याय मिलेगा, बात अलग है अनुपमा दिलाएगी, पर आज का सीन देखा वो दर्द था,
दर्द था, बहुत दर्द था। मेरी बहन के साथ भी ऐसे हुआ अंजू जी, सेम यही कारण था। मेरी बहन भी अपनी गृहस्थी सम बचाना चाहती थी। पहले 2 साल उसने यही निकाल दिए कि आज नहीं कल सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ तो मेरा भाई उसे अपने घर लेके आया। बड़ा भाई ये हमारा, हम 3 बहन और 2 भाई है, तो उसमें सबसे बड़े भाई का बहुत सपोर्ट था उसे, तो उसने अपने घर लेके आया, अपने साथ रखा और कहा कि और जो भी हादसा हुआ था उसमें, तो उस पर एक केस भी तैयार हुआ था। तो उस केस में जब यहाँ हमारे साथ रही तो समाज नहीं जीने देता मैडम, समाज के ताने इतने रहते हैं, बार बार सवाल किए जाते कि कब जाने वाली है, कब कुछ होगा, अरे कुछ तो क्या होता था क्या नहीं, तो ये सब ताने सहन के एक लड़की थक जाती है, कहती कि इससे अच्छा तो मैं वहां रहूं, मरूं या जो मेरे अपने घर में रहूं, मुझको ऐसा लगने लगता है। तो वो ये सब के चलते मेरी बहन ने समझौता ही किया, उसने यही जो बाकी ने कहा कि मुझे रहना है और मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, तो ये था परिणाम। जो अनुपमा कह रही कि आगे क्या क्या नहीं करेगा ये तेरे साथ, ये सुधरने वाला नहीं, ये जानवर सुधरेगा नहीं, जो भी अनुपमा ने कहा, तो सच में ये नहीं सुधरते, ये किसी ना किसी रूप में आखिर मेरे बहन ने जान गवा दी अपनी। बहुत लंबा नहीं जाऊंगी मैं स्टोरी को लेके, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अपने टाइम के दायरे में ही बोलूंगी मैं। अंजू जी, कल से 2 दिन से मेरा थोड़ा 11 मिनट वगैरह ज़्यादा हो रहा है, शायद लगभग उतना हो रहा है, तो आज नहीं लूंगी मैं उतना टाइम, बहुत कुछ है बताने के लिए पर नहीं बोलूंगी मैं। और जो अनुपमा ने जो अभी डिसीजन ले ली, जो अनुपमा ने कहा कि मैं नहीं, एक माँ नहीं छोड़ेगी ये बात को, माँ ऐसे नहीं जाने देगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तो सच में कहा। और आपने, आपका मैंने शो जो देखा था, आपने कहा था कि ये दोनों पुलिस के पास जाएंगे, यानी अनुजन और अनुपमा और या फिर वनराज भी, तो ये वहाँ पे न्याय मांगेंगे, कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वहाँ अधिक और पाखी को भी बुलाएंगे, तो पाखी शायद बदल जाएगी। तो ये जो आपने कहा तो वो बात सही है, सही लगी मुझे, पर मैंने कुछ अलग ढंग से सोचा था, और मैंने ये कहा सोचा मैं ये सोच रही थी कि ऐसा होगा, और मैंने शायद एक ऑडियो बना भी डाला था इस बारे में, पर आपकी बात सुन के मैंने थोड़ा उसमें करेक्शन किया। तो मैंने जो सोचा था कि अनुपमा एक महिला संगठन का जो एनजीओ होता है, जो महिला के हक के लिए लड़ती है, तो अनुपमा वहाँ जाएगी, वहाँ से उनको बुलाएगी, कहेगी कि इसे समझाओ, इसे बताओ इन कहानी, सब औरतों की कहानी के लिए इसे लड़ना क्या कितना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगा वो होगी, और शायद तब भी पाखी इस बात को नहीं मानेगी, तो वो पुलिस कंप्लेंट में भी लगा था कि वो महिला संगठन के द्वारा कि इस लड़की को साथ ये हुआ, ये सब हुआ, हमने इसके सामने सुना, इसकी जुबानी सुना, पर ये अपनी शादी को एक मौका देना चाहती है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो ये वही है कि वो इनसे शायद एक एग्रीमेंट बना लेंगे, एक कंप्लेंट होती है कि अगर इसकी जान को अगर धोखा है, इसको कोई भी तकलीफ होती है, तो इसके लिए ये लड़का, इसका पति और इसकी जो बहन है, ये जिम्मेदार है। तो यहाँ जवाब पुलिस है तो गवाही मांगेगी, तो हाँ अपने अंकु इसका नाम लिया, रोमिल का नाम लिया, तो अंकुश भी तो है, अंकुश तो पाखी के ससुराल वालों से, उसका रिश्ता आदिक के साथ है, तो वो भी कहेगा कि हाँ ये सब मेरे सामने हुआ, ये मेरे सामने इन लोगों ने कबूल भी किया, जो भी है ये गवाही, और अब तो चश्मदीद गवाह है रोमिल, तो वो रोमिल तो अभी आदिक से बदला लेना चाहता ही है, तो वो करेगा, मुझे ऐसा लगता कि वो वहाँ ऐसा कुछ करेगा, ऐसा पूरी फीलिंग आ रही है, और आपकी बात में वो पूरा सच लग रहा आपका, और ऐसा ही होगा ऐसा मुझे भी लगता है, और होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है सबक सिखाना। मैं तो कहती हूँ कि पाखी के खिलाफ जाके भी मोर्चा भी निकाले तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पाखी जैसी कितनी लड़कियाँ हैं जो अपने हक के लिए नहीं लड़ती है, तो ये तब समझ में आएगा शायद कि वो कितना गलत कर रही है, कुछ टाइम के लिए भी तो ऐसा लगता है मुझे, देखते क्या होता है शो में, तो पर शो में। और डिम्पल के बाद बोलूंगी कि डिम्पल को के लिए कितना अच्छा सोच रही है किंजल और काव्या, पर भी डिम्पल तो डिम्पल है, डिम्पल तो घटिया, सबसे घटिया, और आज उसने सबसे घटिया उदाहरण तो दे दिया अपना कि वो कितना गलत सोच रही है पाखी के लिए, कि कह रही है कि पाखी की गलती होगी इसलिए वो
पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है। तो ये समाज का वही रूप है अंजू जी, ये आज राजनशाही डिंपल के माध्यम से समाज का वो रूप दिखाना चाहते हैं कि अगर लड़की एक्शन ले रही है तो भी गलत है, क्योंकि अरे इसको तो आदत ही है इसके परिवार में। जैसे अभी पाखी की फैमिली में हो रहा है कि शादी, इनका किसी की भी शादी टूटी नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। हाँ, सबको आदत है इनके घर में, ये भी एक वजह है पाखी का डर। और दूसरी ये है कि ये जो बोली है डिंपल, तो समाज में यही है ना कि अगर एक्शन नहीं ले रही तो तेरी गलती है, तू गलत है इसलिए तूने एक्शन ले लिया। यानी दोनों तरफ से एक औरत को ही प्रताड़ित किया जाता है। तो ये आज राजनशाही ने डिंपल के माध्यम से ये समाज का ये रूप भी दिखाया हमें, तो ऐसा मुझे लगता है अंजू जी। और बाकी क्या बोलूँ, आज कुछ ज़्यादा मूड नहीं लग रहा है बोलने का, और थोड़ा टाइम भी लिमिट में ही बोलना है मुझे। पर आज जो है शो में सब लोग, मैं आज नहीं बोलूँगी शो कि शो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कैसे बोलूँ कि शो अच्छा लगा। आज तो दर्द था, आँख में आंसू थे। और हाँ, आने वाला शो अच्छा रहेगा जब अनुपमा एक्शन लेगी, तो वो शो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला समय धमाकेदार होगा, पर आज का शो दर्द भरा ही था। और जो श्रद्धा को मैं बोलूँगी, श्रद्धा आपने पूछा था हमसे कि बताए आपकी अनुज ने, अनुपमा ने अनुज को पहले बताना चाहिए था ये जो पाखी के साथ हुआ, तो मैं अंजू जी की बात से एग्री करती हूँ। अंजू जी ने आपको इसका जवाब भी दिया, तो मैं अंजू जी की बात से एग्री करती हूँ कि ये बात सही है कि ऐसा ही हुआ, इसलिए अनुपमा ने पहले कॉल करना किया। और अनुज वहीं पे है, तो अनुज आते तक, उन लोग आते तक तो अनुज को पहले ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ, तो वैसे ही हुआ। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, और मुझे सच में बहुत दुख हुआ आपने जो अपनी सिस्टर के बारे में बताया, और आपने बताया कि कैसे उन्होंने भी डोमेस्टिक हिंसा को सहन किया है और अभी भी वो उस रिलेशनशिप में है। आप बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई टाइम की वजह से, उसके लिए मैं बहुत दिल से आपसे माफी चाहती हूँ कि उतना टाइम नहीं है। मगर एक सजेशन जरूर दूंगी आपको कि अगर आपको लगे कि बात जरूरी है, सब तक पहुंचनी चाहिए, तो अगर आप अनुपमा का जो कम है ऑडियो वो भी कर सकते हो, यानी कि अनुपमा की बात अगर कम भी करे तो भी चलेगा, मगर ये जो अवेयरनेस है जो आप अपनी एग्जाम्पल से देना चाहते हो उसको आप जरूर उसमें कवर कीजिए। ये मेरी सुजेशन है, बाकी आपकी अपनी जो है मर्जी है, आपका अपना टेक है। तो बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को कहा है, और ये मैं जरूर कहूंगी कि मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आसपास, उनके घरों में, और वो खुद भी ऐसी जो वायलेंस है वो सहती हैं, इसीलिए ये ट्रैक बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच वर्षा, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और नाग पंचमी की सबको शुभकामनाएं। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा, सच में आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल भी था कि हम अनुपमा से सीखते हैं, लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल आज अनुपमा ने सही कहा अपनी पाखी से कि तुम क्यों सहना चाहती हो, आज तुम इसे बचाओगी, कल वो तेरे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करेगा। आज अगर तुमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारी औकात इसकी नजर में वही हो जाएगी जो एक पायदान की होती है। बिल्कुल सही कहा कि तुम डोरमेट बनना क्यों चाहती हो, तुमने अपनी माँ को देखा है 25 साल डोरमेट बने हुए, तुम क्यों बन रही हो जबकि तुम आज की पढ़ी लिखी लड़की हो। ठीक है ना, पति को बचाओ, लेकिन एक कंप्लेंट तो करो ताकि दोबारा वो ये ना कर सके। जब मैं बिना पढ़ी लिखी हाथ पकड़ सकती हूँ, हाँ, जब मुझ पे हाथ उठता है तो वो मैं पकड़ सकती हूँ, तो तुम तो पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम्हारा हाथ, तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा अपने पति का। अनुज ने भी बिल्कुल सही कहा, जब अधिक गिरगिट की तरह उससे माफी मांग रहा था तो कह रहा था अब तुम्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है, अब तुम्हें क्या ये हुआ।
जो तुम माफी मांग रहे हो, तो मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तो बीच में बरखा बोलती है, तब कहती है भाभी मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने अधिक से सवाल पूछा है, अधिक ही जवाब देगा। तब कहता है कि मैं तब से देख रहा हूँ कि पाखी मेरे लिए लड़ रही है, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अनुज सब कुछ समझ चुका है। जैसे कल भी आपने कहा था और हम सब ने कहा था कि अब अनुज और अनुपमा इसकी बातों में फंसेंगे नहीं, ना अधिक ना ही बरखा। और रोमिल ने भी बिल्कुल सच कहा, जब सब समझा रहे थे अनुज अनुपमा ने इतने प्यार से समझाया कि हम सब तुम्हारे साथ है, तब अंकुश भी कहता है मैं भी तुम्हारे, मैं भी पाखी के साथ ही हूँ। लेकिन फिर भी पाखी ना पर ही अड़ी हुई है कि नहीं मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है, लेकिन वो भी उसकी माँ है, वो भी चुप तो नहीं रहेगी। और सद्धा कल तुमने जो कहा उसके ऊपर कहूंगी कि तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने ऑडियो में दे दिया है कि अनुपमा को सबसे पहले अनुज को बताना चाहिए था, बाद में उनको बताना चाहिए था, और बाद में तुम ही कहती हो कि हाँ एक माँ बाप का, माँ अगर बेटी माँ के घर में है तो एक बाप को पूरा अधिकार है उस बच्ची के बारे में जानने के लिए, उस बच्ची के बारे में जानने के, हाँ जानना चाहिए। तो खुद ही तो तुम सवाल का जवाब दे रही हो। लेकिन एक बात और बता दूँ, अगर तुमने पूछा ही है तो अनुज ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पाखी अनुज और अनु वनराज की बेटी है और माता पिता का पाला अपने बच्चों पे सबसे पहले अधिकार होता है, और अनुज को भी उसने पहले नहीं बताया, ना ही वनराज को बताया, सब घर पे बुलाने के बाद सबके सामने बताया अनुपमा ने, जो हमें वो सीन नहीं दिखाया गया, हमें डायरेक्ट यही दिखाया गया कि वनराज अधिक को डांटता है। लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा सच में बहुत अच्छा था, और हम सब फैन है अनुज के, आज ही नहीं है इसीलिए मैं पहले भी कह चुकी, अनुज खुद ही कहते हैं कि ये सीरियल अनुपमा पे बनी है, इसलिए वो मेन मेन है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती वो सॉल्व तो अनुपमा को ही करनी है, और पाखी के बारे में सॉरी स्वीर इसके बारे में तो क्या ही कहे, डिम्बी के बारे में। लेकिन सच में आज बहुत ही अच्छा लगा एपिसोड, जिस तरीके से डिम्बी के बारे में ये लोग सोचते हैं, और वो जिस तरीके से उल्टा से उल्टा बोलती है, जो प्रीकेप में भी दिखाया गया कि पाखी की गलती होंगी, अधिक तो बहुत अच्छा है। अच्छा लेकिन सच में इस बार समर को उसका मुंह बंद ही करना चाहिए, उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसके पिता सब लोग हैं फिर भी वो इस तरीके से बातें कर रही है नालायकों के समान। उसके बारे में सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है अंजू जी, कि वो कहते हैं ना कि एक कुत्ते को पाल लो लेकिन कभी सांप को मत पालो, कुत्ता तो भी वफादारी दिखाएगा लेकिन सांप डसेगा ही डसेगा, और वो है डिम्पी। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बातें हुई उसमें भी कुछ बताना चाहती हूँ अंजू जी की, इससे पहले भी एक बार ये बातें हो चुके हैं इस एपिसोड में मुक्कू के टाइम पे, कि मुक्कू ने भी बहुत कुछ सहा था, इसलिए आज अनुज पाखी के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और वो ये भी जानता है कि इस अधिक के आंसू मगरमच्छ के आंसू है, और जो माफी भी मांग रहा है वो भी उसने सही कहा कि जेल जाने के लिए अच्छे अच्छों के पसीने छोड़ जाते हैं इसीलिए माफी मांगते, क्योंकि उसने अपनी बहन को देखा है, उसने कहा भी था अनुपमा को कि एक औरत को जितने हद तक टॉर्चर किया जाता है उतने हद तक मैंने मुक्कू को टॉर्चर किया गया था, उसके बदन पे एक जगह भी ऐसी खाली नहीं थी जहाँ पे उसके चोटों के निशान नहीं थे,
ये बात अनुज बहुत अच्छे से जानता है। और अनुपमा ने भी एक बार वनराज से कहा था, जब यही बात पे वनराज जाता है और उसके बाद में, उस टाइम तो हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन बाद में वो सीन दिखाया जाता है जब अनुज अनुपमा से कहते हैं कि मुक्कू के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ भी जो कुछ भी हुआ वो भी सही नहीं था। तब वो कहती है कि मेरे और मिस्टर शाह की उस दिन बात हुई थी, तब अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह, मुक्कू के पति ने जो कुछ भी मुक्कू के साथ किया और आपने मेरे साथ किया उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तब वनराज कहता है कि मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया, सिर्फ हाथ उठाना ही घरेलू हिंसा नहीं होती, उससे तो आपने मेरे और अनुज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, मुझे मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया, मुझे कैसी कैसी आपने बातें सुनाई है, मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ा दी, वो भी घरेलू हिंसा ही है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो भी सही नहीं था, एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ अफेयर करना, उसके साथ संबंध बनाना, वो भी घरेलू हिंसा ही है, और मुझे मानसिक तौर पे आपने तोड़ा भी था। मेरे ही बच्चों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई आपने। तब भी वनराज सा अकड़ता है, कहता है तो तुम क्या कर लोगी? मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर मैं भी अगर बदला लेना चाहती, मैं भी सोच रही थी आपसे बदला लूं, लेकिन अगर मैं बदला लेने बैठ जाती तो आप में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाता, अगर बदला लेने बैठती तो पूरी जिंदगी निकल जाती, तो मैं अपने लिए कब कुछ कर पाती, इसलिए मैंने बदला लेने के बजाय अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश की। ये जवाब था अनुपमा का, इसलिए आज वो इतना डर भी गए और सहम भी गई है अंजू जी, क्योंकि उसने खुद ने भी वही सब कुछ सहा है, सह चुकी है वो, इसीलिए वो पाखी को कहती है कि तुम भी डोरमेट बन मत बनो। और बाने तक क्या चौके पे छक्का मार रहा है आज तो। जब वो माफी मांगता है तब अनुज भी बोलता है, उसके बाद कहती है कि ठीक है तुम्हें माफी चाहिए ना, है ना अनुपमा, इनको इसको माफ कर देते, इसको 6 महीने तक जेल में भेज देते, इसकी अक्कल ठिकाने आ जाएगी और ये सुधर भी जाएगा। तब बरखा का मुंह देखने लायक था, लेकिन सच में आज के एपिसोड में एक एक बात अनुपमा की और पूरा एपिसोड सच में बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंजू जी। इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते, और फिर से सबको नागपंचमी की शुभकामनाएं। और रेखा जी कल आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन सच में हमने आपके तोते को भी मिस किया, आपके गंगू को, जैसा अंजू जी ने भी बताया वैसा ही मेरा भी कहना है कि प्लीज उसे भी पीछे रखिए ताकि उसकी भी मीठी आवाज हम सुन पाए। थैंक यू सो मच अंजू जी, और सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और सही आपने याद दिलाया है कि मुक्कू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अनुज तो तब भी बहुत परेशान थे कि मुक्कू की हालत को लेके, बल्कि खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो एक समय ऐसा भी था और तब अनुपमा ने मुक्कू को उस इक्वेशन से बाहर निकाला था। अब तो पाखी है तो पाखी को भी निकालेगी, पाखी अलग टेंजेंट में इस चीज को देख रही है, जबकि मुक्कू अलग टेंजेंट में देख रही थी। मुक्कू डर गई थी, मगर पाखी कुछ अलग ही सोच रही है। तो देखते हैं कैसे इसको जो है आगे लेके जाते हैं, मगर सच में आपने याद दिला दिया वो मुक्कू वाला ट्रैक। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार, और नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंजू जी आपको और हमारी सभी प्यारी बहनों को भी। जब अपने बच्चे पर बीतती है तब पता चलता है। अब वनराज को पता चला डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, और वो जो 25 सालों से अनुपमा के साथ कर रहा था तब बहुत मज़ा आता था। ख्याति जी आपने कल बहुत अच्छे से बिजनेस सेंस समझाया अनुपमा का, पुरानी बातों को याद दिलाकर। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा था।
पाखी का यह रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये इसी के लिए घातक है। अधिक ने कभी प्यार किया ही नहीं पाखी को और ना ही आज करता है वो प्यार। अनुपमा पाखी की बातें सुनकर बरखा को अच्छा लग रहा था। अनुपमा अपनी मम्मी को जवाब दे रही है कि आपने 25 सालों तक सहा, इसका क्या मतलब। अनुपमा की बात सही है, आजकल की पढ़ी लिखी लड़की जुल्म सहती है तो अपने साथ अन्याय करती है। अच्छा लगा अनुपमा का कहना कि अधिक जानवर है, सच में वो जानवर है जो अपनी औरत पर हाथ उठाए। अनुपमा समझा रही है पाखी को पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसने कह दिया कि मुझे अपनी शादी बचानी है। कितना गंदा बोला पाखी ने अनुपमा से कि मेरी शादी तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बरखा बीच में बोली तो अनुपमा कुछ कहना चाह रही थी तभी पाखी ने बरखा को सपोर्ट किया। एक बात कहें, पाखी अधिक बरखा को तुरंत घर से भगा देना चाहिए और फिर बचाए अपनी शादी को और दिन में जब मन हो मार खाए अधिक से। अनुपमा की बात में पूरी सच्चाई थी। सही कहा अनुपमा ने, मेरी लड़ाकू सूटी उनमें से होगी जो पति की मार खाए। तू आज चुप रही तो तेरी वही औकात होगी जो एक डोरमेट की होगी, सच कहा अनुपमा ने। अनुपमा ने सब कुछ सहा था पर एक बार अनुपमा पर वनराज ने हाथ उठाया था तो अनुपमा ने वही हाथ रोक दिया था। मर्द की फितरत होती है, अगर एक बार थप्पड़ खा लो तो वो मर्द बार बार मारेगा, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वनराज अपनी गलती रियलाइज कर रहा है। अनुज भी समझाते हैं अपनी तरह से, बा ने सही बोला, तू कब की गूगी गुड़िया बन गई, तू तो माचिस की डिब्बी थी, माँ के सामने बदतमीजी करती है और अभी भी कर रही है, और अधिक के सामने क्यों नहीं करती है, वहाँ चुप हो जाती है। उधर काव्या किंजल की इमोशनल बातें अच्छी लगी। किंजल शेयर करना चाहती है कि क्या बात है वनराज और काव्या के बीच, पर काव्या का जब मन होगा तब बता देगी। दोनों बातें कर रही होती हैं तो डिम्पी ड्रैगन जल भूंढ कर राख। सब डिम्पी के बारे में सोचते हैं, काव्या किंजल भी डिम्पी के बारे में बात कर रही हैं पर वो नागिन कभी नहीं सोचती फैमिली के बारे में। डिम्पी देखो अनुपमा को वो औरत बोल रही है, छी, काव्या ने सही डांटा डिम्पी को। किंजल ने भी सुना दिया, कितनी गंदी औरत है ये डिम्पी। क्या बात कही अनुपमा ने कि पाखी को अपनी शादी बचानी है पर हमें अपनी बेटी बचानी है। अड़ियल झगड़ालू जिद्दी लड़की को हाथ उठाने को रोकने की ताकत क्यों नहीं आई। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो वो रिश्ता बसता नहीं, कटु सत्य कहा अनुपमा ने। रोमिल भी चाहता है कि पाखी अधिक को सबक सिखाए। सब समझा रहे हैं पाखी को, पाखी को कुछ कुछ समझ भी आ रहा है। ये सब देखकर अधिक बरखा दोनों परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा। बरखा समझा रही है माफ़ी मांगो अधिक, पर अधिक तैयार नहीं है क्योंकि वो पाखी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, पर अधिक को कन्विंस कर लिया बरखा ने। उधर पाखी तैयार हो रही है स्टैंड लेने को, पर तब तक अधिक का सॉरी बोलना। अनुपमा अनुज समझ रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है पर पाखी इमोशनल फुल बन गई। बा अनुपमा ने कहा जेल भेज देना चाहिए अधिक को, तो सबसे ज़्यादा रोमिल खुश हुआ। प्रीकैप में देखा कि पाखी ने अधिक को माफ़ करके अच्छा नहीं किया है, पर अनुपमा ज़रूर कुछ करेगी अधिक के खिलाफ। उधर टिम्पी कह रही है कि गलती पाखी की ही होगी अधिक की नहीं। हमको एक बात समझ नहीं आती है कि सा हाउस वाले डिम्पी ड्रैगन की बकवास सुनते क्यों हैं। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत बढ़िया ऑडियो था। और आपके ऑडियो से एक चीज तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि ये जो अधिक माफी मांगने गया है ये किसी इसमें नहीं कि उसको कोई गिल्ट है या उसको बरखा की बात समझ में आ गई है। वो सिर्फ जेल के डर से गया है क्योंकि बरखा ने वही डर उसको दिया है, जेल ना जाना पड़े इसलिए माफी मांगना उसको इजी लगा है। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम गुड मॉर्निंग, मेरी सभी सहेलियों को और अंजू मैम को नाग पंचमी की शुभकामना और शुभ इच्छा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आपको ढेर सारा प्यार। आज का एपिसोड मैंने देखा, आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक औरत ने जुल्म नहीं सहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। यही बात इस बार वनराज अनुज और अनुपमा समझा रही है पाखी को। देखो पाखी को समझ आता है कि नहीं आता है। बा भी बोल रही है, इस बार बाबूजी भी बोले बड़ा अच्छा लगा, पर बरखा का वही रवैया था। रिकैप में देखा कि एक मौका दूंगी ऐसा बोला है। डिम्पी को बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है, डिम्पी कौन है उस घर की। हाँ अनु अनु अनुज की बेटी है। अब अनुज ने और अनुपमा ने डिम्पी को भी उसकी औकात दिखानी चाहिए। सड़क से उठा के लाए जिसके साथ
कुछ दरिंदों ने इतना गंदा किया था ऐसी औरतों की कोई मदद नहीं करेगा, यही बता रहे। मतलब डिम्पी को बहुत ज़्यादा घटिया और ये दिखा रहे, बहुत ही नहीं, ऐसा नहीं देखना है। और डिम्पी को क्या करना है, मतलब वो क्या सोच रही है, बरखा और अधिक का मकान है, उसको मालूम नहीं अनुज और अनुपमा का घर है, वो अनुपमा का घर है, अनुपमा पहले से वो मेंशन। अब है ना अनुपमा रे और अनुज ने डिम्पी को भगा देना चाहिए। पर हाँ, आज का धारावाहिक बड़ा अच्छा लगा, शिक्षाप्रद लगा कि कोई भी औरत हो, कोई भी बेटी हो, जो ये धारावाहिक देखती होगी, अगर उसके साथ ऐसा होता है तो उसने आवाज़ उठानी चाहिए। ये बिल्कुल सही और करेक्ट बताया, इसके लिए अनुपमा का थैंक यू और आपका भी थैंक यू कि आप इतनी अच्छे से ये सब ये करती है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए, और सही कहा आपने कि आज की कड़ी शिक्षा देने वाली कड़ी थी, जो सीख देती है वो कड़ी थी। आगे भी इस टॉपिक को लेके बहुत सारी सीख हम सबको मिलने वाली है, और ये सीख हमें अपने तक नहीं रखनी है बल्कि उनके साथ भी शेयर करनी है जिनको वाकई इस सीख की जरूरत है। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज नागपंचमी के पावन दिन पर भगवान महादेव, भगवान नाग देवता आप सभी के घर में सुख समृद्धि शांति, पैसे में बरकत और तन मन की स्वस्थता को प्रदान करें, ये इस अपेक्षा के साथ में मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ सब के लिए। मैम, अभी मैंने धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से मुझे थोड़ी चार पांच बातें समझ में आई, वो बताऊँगी कि इंसान खुद की मदद नहीं करना चाहता तो कोई और उसकी आके मदद नहीं कर सकता, और पायदान बनने के लिए अगर हम तैयार हैं तो हम दूसरे के लिए भी वही उदाहरण पेश कर रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, उपाखी के लिए बोल रही हूँ मैम, कि पढ़ी लिखी होकर भी वो अगर सहन कर रही है तो वो दूसरे के लिए गलत मिसाइल बन रही है, कि पढ़ी लिखी लड़की सहन कर सकती है तो कम पढ़ी लिखी लड़कियों को तो जुर्म सहन करना ही चाहिए। और तीसरा, डिम्पल का काव्या और उस किंजल के बीच में बोलना, जब कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं भाव दे रहा है, बीच में बोलने बीच में बोल के दिखाना कि मैं इस घर में इम्पोर्टेंट हूँ, और अनुपमा देवी जी जहाँ होगी वहाँ पे सब कुछ गलत ही होगा, वो औरत सबको सिर्फ सलाह देती है, भाषण देती है, काव्या ने उसे डांट के भगा दिया। और यह इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम जब सलाह मांगी जाए तभी दी जानी चाहिए। और पाखी या चिकने घड़े की तरह लगी मुझे, उसे सब कोई समझा रहे हैं, पाखी अब बहुत गलत कर रही हैं सिर्फ शादी बचाने के चक्कर में, और आप सिर्फ शादी बचाना चाहती है या कुछ और बात है, क्योंकि ये बहुत गलत बात है आपकी कि जो इंसान आपको अकेले में टॉर्चर कर रहा है, अगर वो सच्चा है तो सबके सामने बोले ना। आपके साथ तो आपका पूरा परिवार है पाखी, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें होती है जिसको माता पिता ने शादी कर दी, उसके बाद में उससे पल्ला झाड़ लेते हैं कि तुम्हारे दुख सुख सिर्फ तुम्हारे हैं, ऐसे भी माता पिता होते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन आप किस्मत वाली हैं कि आपके माता पिता, आपके बड़ी, आपके दादा दादी, यहाँ तक कि आपके नंदोई कम ससुर भी आपके साथ में हैं। तो फिर आप किससे डर रही हैं, क्या है, किसी असमंजस में हैं या किसी और, कोई और परेशानी है पाखी आपको? किसी और को नहीं तो बड़ी और अनुपमा को, अपनी मम्मी को बता ही सकती है। और अधिक ने, जब बरखा ने बार बार उससे कहा कि तुम माफ़ी मांगो नहीं तो ये लोग तुम्हें जेल भेज देंगे, पर अधिक ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसका मतलब उसके पास में कोई क्लिप वगैरह नहीं है, उसका सिर्फ मेल ईगो है और
जब वो माफ़ी मांग रहा था तब अनुज का बोलना बहुत अच्छा लगा कि अचानक तुम्हें कैसे याद आ गया कि तुम गलत कर रहे हो। बरखा का बीच में बोलना, इसका मतलब अनुज का ध्यान था कि बरखा के कहने से अधिक माफ़ी मांग रहे हैं, तो उन्होंने चुप करवा दिया बरखा को। और बरखा अगर चाहती थोड़ा सा बड़प्पन दिखा देती सबके सामने ही सही, वैसे तो आप भाई बहन गिरगिट हो ही, पर थोड़ा सा बड़प्पन दिखा दिया होता। जब पाखी ने ये कहा कि हमारे बीच का मामला है हम सुलझा लेंगे, तब बरखा आप ये कह देती कि हम सब मिलकर पाखी कह रहे हैं कि तुमको अधिक ये गलती दोबारा नहीं करना, लेकिन अब ये मैटर ख़त्म, बस अभी इसको यहीं ख़त्म करो, क्योंकि पाखी ही नहीं चाहती उसके लिए कोई बोले। ये बहुत गलत बोल रही है बरखा, अगर आपकी बेटी के साथ में ऐसा कुछ होगा तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगी। और रोमिल ने ये कहा कि पाखी सबकी बात सुनकर समझ के इस अधिक को सबक सिखाए तो अच्छा है। वनराज और सब ने ये भी कहा पाखी से कि पाखी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मत करो, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, तुम खुद स्टैंड बन, अपने लिए स्टैंड लो। लेकिन पाखी अब मुझे लग रहा है मैम किसी असमंजस में है, या वो कपाड़िया हाउस को नहीं छोड़ के जाना चाहती, तो कपाड़िया हाउस छोड़ के आप मत जाइए, अपनी मम्मी को छोड़ के आप बड़ी और अनुज अपमा को सब कुछ बता दीजिए। तो हो सकता है अनुज बरखा और अधिक को घर से बाहर निकाल दे और उन्हें कह दे कि तुम अलग जगह पे रहो, यहाँ पे पाखी रहेगी, इसीलिए जब तक तुम्हारे बीच में समाधान नहीं होता तुमको यहाँ नहीं आना है, आपके साथ में है, लेकिन अभी आपको अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा पाखी, और दूसरे के लिए गलत एग्जांपल मत सेट करो। लेकिन कल के आने वाले प्रोमो में दिखाया जाएगा कि डिंपल एक बार फिर घर वालों को भड़का रही होगी कि पाखी गलत है, इसीलिए वो अधिक की बात सहन कर रही है, अधिक ऐसा आदमी नहीं है। तो क्या डिंपल और अधिक का कुछ कनेक्शन है, इनके बीच में कुछ चल रहा है क्या? खैर जो होगा देखा जाएगा, दिखाएंगे ही आगे। और दूसरी बात, आज अनुपमा ने कह दिया कि तुम कितने ही माफ़ी मांगने का, अगर नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा ने अधिक से कह दिया कि पाखी तुम इसे भले एक मौका देना चाहती हो, ईमानदारी से अपनी शादी को निभाना चाहती हो, लेकिन इसके ये कितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन मुझे अब जो एक माँ को करना चाहिए वो माँ करके ही रहेगी। कभी कभी बच्चे अपना निर्णय नहीं ले पाते तो बड़ों को बोलना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पाखी पढ़ी लिखी है। और एक बात इस धारावाहिक में हमेशा से महसूस की है, जब भी किसी का अच्छा दिन होता है तो उसके साथ बुरा होता ही है, चाहे वो अनुपमा की 25वीं सालगिरह हो, काव्या का बेबी शावर हो, किंजल की बेबी परी का नामकरण हो, या पाखी के ऑफिस का पहला दिन हो। इन सभी शुभ दिनों पे इन सभी लेडीज़ के साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ ही है, कुछ ना कुछ इनका झूठ के सामने, झूठ के साथ सत्य का सामना हुआ ही है झूठ के सामने। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मेरी सभी बहनों को एक बार फिर से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए, और सही कहा आपने कि पाखी चिकना घड़ा लगी है आपको, और सही लगी है, क्योंकि उस पे किसी बात का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था, वो सुन सबकी रही थी मगर अंदर उसके कुछ और ही चल रहा था। खैर जो आपने क्लिप वाली बात भी कही है, मैंने जो अपने वीडियो में शेयर किया था, आपने कहा है कि नहीं होगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं आपसे एग्री करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है जो अधिक का एटीट्यूड है उसमें मेल ईगो झलक रही है। अगर उसके पास कोई क्लिप वगैरह होता तो वो यहाँ ऐसे एक्सप्रेशन देता नजर नहीं आता, कुछ अलग होता, तो लग रहा है मुझे भी। देखते हैं बाकी आगे क्या दिखाते हैं, क्योंकि पाखी
जिस तरह इस बात को माने जा रही है उसमें प्यार है या क्या है ये समझ में आ नहीं रहा है। तो घर के लोग भी हैरान है और हम भी हैरान है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आज का ऑडियो बहुत अच्छा था, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, दिस इज श्रद्धा हियर, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का एपिसोड देखा तो आज आई एम वेरी इम्प्रेस विद द वे अब तक जितना ट्रैक ये लोग लेके जा रहे हैं, बहुत सही दिखाया आज। एंड ये रियलिटी है इस सोसाइटी की, मतलब आज हर एक बात, हर एक लाइन टू लाइन, हर एक वर्ड टू वर्ड एकदम सही था कि एजुकेटेड एंड अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस छुपा लेते हैं ताकि रिश्ता बच सके। एंड जैसे आज वो बताया कि एग्जांपल्स की चश्मे के नीचे एंड वो सब मेकअप वगैरह से ढक देते वो जख्म और ये सब, विच इज़ वेरी ट्रू, एंड आज भी ये होता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एंड आई रियली होप कि मेकर्स बहुत अच्छे से इसको हैंडल करें बिकॉज बहुत स्कोप है। एंड अभी अनुपमा का जो पॉपुलैरिटी है इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अभी लोग इसको देखेंगे एंड उनकी नज़रें अभी इस पे टिकेंगे कि ये लोग क्या सोल्यूशन दिखाएंगे इस चीज़ पे, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की लड़कियों को ये समझना कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड तो तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा, तुम शादी संभाल रही हो तभी रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। एंड समटाइम्स ये है आज भी सोसाइटी में ऐसा होता है कि अगर किसी सर्टेन एज में शादी नहीं होती है लड़कियों की, या फिर डिवोर्स्ड है या फिर विधवा है, तो उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है एंड आज भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती उन लड़कियों को, उन औरतों को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि औरतों को रिस्पेक्ट तभी मिलना चाहिए तब वो एकदम शादी को एकदम, मतलब भले उनके साथ कुछ भी हो बट शादी निभाए एंड शादीशुदा हो तो एक उनको एक वो रिस्पेक्ट एंड स्टेटस मिलेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। एंड ये जो मैंटेलिटी है, ये जो सोसाइटी की, ये बदलनी होगी अभी। एंड आई रियली होप कि मेकर्स अभी कुछ अच्छा इसका एक सोल्यूशन दिखाए। एंड आई एम ग्लैड कि अनुपमा के पास्ट लाइफ का भी आज उस खुद अनुपमा से बुलवाया है कि वो खुद 25 साल से एक डोरमैट रही है तो तुम क्यों रहना चाहती हो, तुमने मेरी लाइफ देखी है तो तुम्हें क्यों ये सब सहन करना है, मतलब तुम्हारे पास फैमिली का सपोर्ट है, एजुकेटेड हो, देन क्यों रहना है इसमें। तो बहुत सही कहा आज अनुपमा ने, एंड आई रियली होप कि पाखी समझे, बट अभी फ़िलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि पाखी शी इज़ स्टिल सपोर्टिंग अधिक एंड वो फिर वो बचाना चाहती है शादी को, एंड अभी अधिक वो फेक अपोलोजाइज कर रहा है तो वो वापस पिघल रही है। बट सबको पता है, सब अलर्ट है इस बारे में कि अधिक इस मतलब नाटक कर रहा है एंड वो जेन्युइन सॉरी नहीं है। बरखा भी, मतलब अभी बरखा तो इट्स लाइक मतलब उसका रिडेम्पशन कुछ भी कोई भी एंगल से नहीं हो सकता अभी, बिकॉज जो दो दिन से उसका जो बिहेवियर रहा है एंड लाइक शी इज सपोर्टिंग दिस, तो इट्स पथेटिक। एंड अभी अधिक एंड बरखा को दे रियली डिजर्व अ पनिशमेंट फॉर दिस, तो देखते हैं अभी कैसे हैंडल होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आई डोंट थिंक इतना जल्दी कुछ सोल्यूशन ये लोग निकालेंगे, क्योंकि पाकी तो इस मैरिज में उसको रहना है। बट आई एम ग्लैड कि अनुपमा इज़ बीइंग दैट स्ट्रिक्ट एंड अभी वो फर्म एक उस डिसीजन मतलब अभी लेगी आगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि अपनी बेटी को ऐसे सफ़र करते देखे, एंड जब खुद देखा हो कि अपनी बेटी को थप्पड़ पड़ते हुए अपनी आँखों के सामने एंड वो निशान वगैरह जो कल दिखाए थे, जब खुद वो, तो वो कितना डर, आगे भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना कि पाकी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी तो है ही नहीं उसकी, तो अधिक किस लेवल पे जाएगा, क्या करेगा, यू नेवर नो। तो अभी फ़िलहाल जैसे आज सीरियल में बताया भी राइटली कि हमें लोग क्या सोचते उसकी परवाह नहीं है, हमें हमारी बेटी की फिक्र है, मतलब उन्हें उसकी सेफ्टी की फिक्र है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी सब सपोर्ट, अनुपमा अनुज तो डेफिनेटली वो तो है ही, वनराज बा बापू जी भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एक ये भी अच्छा लगा कि वनराज खुद मान रहा है। एंड ये कल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे भी बहुत ही हुआ था कि वनराज ने भी अनुपमा पे हाथ उठाया था, तब मतलब अनुपमा ने, मतलब इवन शी इज़ लिव्ड इन दैट अब्यूजिव मैरिज फॉर 25 ईयर्स, बट
मतलब उस टाइम पे हालात अलग थे, मतलब वो अनएजुकेटेड थी, तो वो एक थिंकिंग वो जनरेशन की वो अलग ही होती है कि वो बचाने का फुल मतलब ट्राई करती है एंड वो चाहे जितना भी जुल्म सहन कर ले, बट वो एक वो उस टाइम का एक माइंडसेट ही वो था कि नहीं कुछ भी हो हम सह लेंगे, हमें शादी निभानी है, बच्चों का बच्चों की फिक्र होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फिक्र होती है, तो उस सब ख्याल रखते हुए विमेन डोंट टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। तो आई एम हैप्पी कि अभी अनुपमा ने भी वो मतलब वो चीज़ हाईलाइट की है एंड अभी सही गाइडेंस वो पाखी को देगी कि कैसे इस सब सिचुएशन को हैंडल करना एंड कैसे इसके अगेंस्ट यू नो यू नीड टू टेक अ स्टैंड। तो अभी इंटरेस्टिंग होगा आगे कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली अभी आज तो उन्होंने कहा है कि पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो अभी भी आई एम नॉट श्योर वेदर ये लोग विल दे टेक अ लीगल रूट और नॉट, बट आइडियली लीगल रूट तो लेना चाहिए क्योंकि आई मीन लास्ट टाइम जैसे मतलब अधिक एंड पाखी ने एक प्रैंक किया था अधिक के साथ कि एक वॉइस नोट भेजा था, सुसाइड मैसेज जैसे भेजा था उसने एंड उसके ऊपर फिर ड्रामा हुआ था एंड अधिक एंड बरखा ने उस पर वो मतलब वो भी रिएक्शन वो टाइम पे तो सही था बिकॉज पाखी ने तब वो बचकाने में कुछ भी मतलब बहुत बड़ा वो एक इशू क्रिएट हुआ था, तो उस फिर बाद में पुलिस कंप्लेंट मतलब बरखा ने उस टाइम पे एक हमें लगा था उसने स्मार्ट एक्शन लिया कि अधिक को कहीं पाखी ना फंसा दे, इसके लिए पुलिस को बुला के वो एक साइन करवाया था एक स्टेटमेंट की कल को अगर मतलब पाखी एंड वनराज से तब से स्टेटमेंट साइन कराया था कि कल को अगर कुछ उल्टा सुलटा होता है तो पाखी एंड उसके पिता रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो वैसे ही कुछ इस टाइम होना चाहिए। इस बार बरखा एंड अधिक शुड बी पुट अंडर स्कैनर एंड ये पुलिस एक कंप्लेंट तो डेफिनेटली फाइल होनी चाहिए एंड उन पे एक वॉच तो रखना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट पुलिस केस एक रजिस्टर हो जाए, उनको पता चले तो आगे सेफ्टी का कुछ इशू मतलब सेफ्टी वाइज तो एक बोलते हैं ना एक सही स्टेप होगा। एंड अभी तो मान मतलब अनुपमा अनुज तो अभी अगर बाय चांस अगर घर पे मुझे तो नहीं लगता फिलहाल अनुपमा पाखी को उस घर से जाने देगी पाखी एंड अधिक को, क्योंकि अनुपमा तो अभी पाखी को अपने नज़रों के सामने ही रखना चाहेगी, तो आई डोंट सी कि ये लोग अभी मान ये डिसीजन लेंगे दोनों को घर से निकालने का, तो आई फील अभी वो लोग कपाड़े हाउस में ही रहेंगे, बट अभी तो अनुज एंड अनुपमा तो और भी अधिक पे तो उनकी नज़रें अभी गड़े होंगी, अंकुश ने भी अंकुश भी सपोर्ट करा है तो अंकुश तो वो भी अधिक पे नज़र रखेगा, रोमिल तो है ही, रोमिल तो वो भी अगर उसने ऐसे कुछ देखा तो वो भी इन्फॉर्म तो करते ही रहेगा, तो अभी बरखा अधिक मतलब अभी दे आर अंडर स्कैनर ना हो, तो अभी देखना होगा कि आगे पाखी क्या मतलब पाखी फिलहाल तो अभी अधिक के साथ ही रहेगी इफ शी वांट्स टू स्टे इन दैट मैरिज, बट आई रियली होप कि वो समझ जाए जल्दी, बिकॉज जैसे आज अनुज ने एक सेंटेंस कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हर इसमें वो फ्रेज यूज़ नहीं हो सकता, कभी कभी देरी होने से भी दुर्घटना हो सकती है, सॉरी दुर्घटना से देर बली, ये वाली फ्रेज यूज़ की थी, तो सही कहा कि अगर जितना तुम देर करोगे तो और शायद सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, तो इट्स बेटर अभी टाइम है, तो इनफैक्ट पाखी ने अभी स्टैंड लेना चाहिए सो दैट आगे थिंग्स गेट बेटर, बट लेट्स सी। बट आई मतलब आज का एपिसोड मतलब बहुत ही अच्छा लगा, लाइक बहुत सही हर एक चीज़ आज सही बोली गई है एंड होपफुली अभी मेकर्स टेक दिस ट्रैक इन अ वेरी यू नो सीरियस इन अ वेरी सीरियस वे एंड इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाले सो दैट इट मतलब बाकी सब भी इंस्पायर्ड हो ये सब देखे कि आगे कल को किसी और घर में ऐसे सिचुएशन आएंगे या फिर तो मतलब विमेन या माएँ कैसे रिएक्ट करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये यहाँ से एक सीख मिल सकती है, तो होप फॉर द बेस्ट। बट आज का एपिसोड मतलब बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए, और बहुत ही अच्छा ऑडियो था,
और आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अनुपमा शो जो है वर्ल्ड वाइड जो है पॉपुलर है, और औरत जहां भी है उसको ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में ये चीज सहनी पड़ रही है, चाहे वो विदेशी औरत हो चाहे भारतीय औरत हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हर घर में, नहीं तो किसी एक घर को छोड़ के दूसरे घर में ऐसा होता ही है। तो ये अवेयरनेस अगर जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, आपने जो पाखी वाले प्रैंक की बात बताई है, मुझे अब आपके इस प्रैंक वाली बात को याद करके जो आपने याद दिलाया है, लग रहा है कि कहीं ये भी आगे इस डोमेस्टिक वायलेंस वाले ट्रैक में ये चीज भी यूज ना हो आगे, क्योंकि जब पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस के पास ये रिकॉर्ड भी होगा कि पाखी ने पहले क्या किया था, और अधिक के नंबर वहां पे ज्यादा बन सकते हैं, हो सकता है, ये मेरा एक अंदाजा है। क्योंकि आपने याद दिलाया तो मुझे भी ये पूरा का पूरा सीन याद आ गया, जिसमें वनराज और पाखी के खिलाफ एक बरखा ने केस दर्ज कर दिया था या पुलिस बुला लिया था, जो भी था। तो सही याद दिलाया आपने, थैंक यू सो मच हरदा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा नमस्ते। सॉरी मैम, परसों भी नहीं दे पाई, कल भी नहीं दे पाई, पर आज दे रही हूँ, क्योंकि परसों मैं मुंबई गई थी, आपको बताए थे ना कि मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस वजह से मेरा, और पहली बात मैं मुंबई में ही हूँ, टाटा में नहीं हूँ। एक्चुअली बच्चों लोग को एडमिशन करवाना है वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत से बात कर चुकी कि मैं अकेले वहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि एक माँ और बच्चे का कनेक्शन ही अलग होता है। मैं 2 दिन भी उसको नहीं देखती हूँ, हर्षित और लियाना को, तो मेरा जी कांप उठता है, तो मैं सालों भर कैसे दूर हूँ। पति से एक महीना आदमी बाहर रहता है तो बात समझ में आता है कि वो काम के लिए बाहर गया है या कहीं गया हुआ है, लेकिन अभी तो मेरी नन्ही सी जान है, जिसको आप जानते ही हैं मैम कि बहुत छोटी बच्ची है वो, तो मेरा दिल नहीं मान रहा है। अब मुझे नैनीज रख लेंगे, और प्लस मेरे साथ एक लेडी जो मेरे घर में रहती है उसको भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो बच्चों का पूरा केयर रखेगी। मेरा बस नहीं कट रहा मैम, आप डिसीजन बताइएगा कि महिमा ये तुम सही कर रही हो या गलत कर रही हो। मैंने स्कूल के लिए भी अप्रोच किया है, वहाँ देख रही हूँ कौन सा स्कूल अच्छा है और कैसे अपॉर्चुनिटीज में अच्छा ग्रेजुएशन मिलेगा, क्योंकि मुंबई में तो बड़े बड़े स्कूल अच्छे ही हैं, लेकिन मैं टॉपर ढूंढ रही हूँ कि बहुत अच्छा से मिल जाए। और अनुपमा के बारे में कहेंगे, फर्स्ट बार जब दिखाया था, परसों ट्रैक दिखाया था, बहुत अच्छा दिखाया था कि रोमांटिक मोमेंट, पाखी को जब देख लेता है रोमिल दोनों को आर्गुमेंट करते हुए थप्पड़ उठाते हुए, तो देख लेती है अनुपमा, और उसके नेक्स्ट दिन अनुपमा उसके रूम में जाती है। मैं तो सोची थी कि थप्पड़ मारेगी अनुपमा अधिक पर, और अधिक को थप्पड़ नहीं मार के सीधा पाखी को कमरे से बाहर लेकर आती है अपने रूम में। मतलब कब से चल रहा है ये सब चीज़ पूछी, मतलब देखी, तो उसने कहा कि मम्मी हस्बैंड वाइफ का भी इसका बात है, लेकिन वो बोले कि तुम कुछ नहीं बोलोगी पर मैं तो बहुत कुछ करूँगी। और ये बात डायरेक्टली है कि एक माँ, कोई भी माँ हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे आप ही क्यों ना हो, कि अपनी बच्ची को कोई नहीं मार, कोई मार नहीं खिला सकता, और कोई दूसरा आदमी अगर हाथ उठाए तो मेरा तो बस सिर्फ मैं उसका हाथ तोड़ दूँ। ये चीज़ दिखाना, और एक चीज़ अच्छा किया, ये जो मेडिटेशन का केस दिखाया जा रहा है कि मारना पीटना ये सब चीज़ दिखाया जा रहा है कि कैसे अपने बच्चे को रिकवर करके बाहर निकालना है और कैसे उसको संभालना है, इस वेरी अर्जेंटली। और आज आपने जैसे कहा कि पाखी को घर से निकालेगी, तो मुझे नहीं लगता मैम, आई एम वेरी सॉरी, इस बात पे मैं नॉट एग्री करती हूँ, उसे घर से नहीं निकालेगी, जरूर अधिक और बरखा के साथ ऐसा कुछ करेगी कि बाद में बरखा को रियलाइज होगा कि नहीं अधिक गलत कर रहा है, उस वजह से सजा मुझे भी मिल रही है। जब तक बरखा को सजा नहीं मिलेगी तब तक अधिक सबक नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जैसे बरखा बोल रही थी कि जा तू पैर के नीचे गिर जा पाखी के, माफ़ी मांग, तो पुलिस स्टेशन नहीं जा पाएगा, बच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बचेगा तो है नहीं, जो कि अनुपमा है। एक माँ जब अपने बच्चे पर बात आती है तो शेरनी बन जाती है, शेरनी क्या, दुर्गा रानी बन जाती हैं, काली बन जाती हैं, तो वो तो नेचुरल है कि वो अपने बच्चे की पूरी केयर करेंगी। और तो और एक चीज़ और कहना चाहूँगी इस शो के बारे में,
कि कभी शो ऐसा कर जाता है कि देखने का मन नहीं करता, और कभी ऐसा कर जाता है कि इसको आगे का स्टोरी जानने का मन होता है कि क्या होगा। और आपने दो तीन दिन से कहा था कि महिमा तुम पॉजिटिव रोल बहुत देख रही हो, बहुत इंस्पायर हो रही हो, तो ये तो डायरेक्टली है कि पॉजिटिव तो सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ और भी देखना चाहती हूँ, ये सीख लेना ज़रूरी है। लेकिन कुछ नेगेटिव वर्सन अगर दिखाया जा रहा है तो कोई कारण से दिखाया जा रहा है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, मैं फ्लाइट में गई थी मुंबई, और हूँ वहाँ पे, वापस टाटा आऊँगी सामान वान लेने के लिए, बहुत सारा भी सामान बाकी है वहाँ पैकिंग किया हुआ। तो एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने प्लेन में ऐसे दो कपल को देखा है कि मुंह जैसे बोलते हैं ना कि दोनों में झगड़ा हुआ हुआ हो, और उसी फ्लाइट में दोनों जन बैठे हुए, और कितनी बार उनके हस्बैंड को टीस करते हुए देख रही थी। मैं बोली एक बार बोलूँ तो सही जाके कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कोई मतलब पब्लिक स्पेस में उस तरह का हरकतें करें, कितनी लेडीज़ लोग इधर से उधर देख रही हैं उन्हें कि देखो कैसे कर रहा वो अपने हस्बैंड को। तो मैंने कहा कि ये वो चुप है इसी वजह से वो फ़ायदा उठा रहा है, तो बेकार का हम लोग उधर ना देखें तो अच्छा है, रहने देते हैं, इग्नोर इट। पर वो करते ही जा रहा था, तो मैंने ही जाके टोका कि हाउ कैन डू इट यार, आप पब्लिक स्पेस है, आप घर में कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है। तो उनकी वाइफ बोली कि मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो आपका घर का मैटर नहीं है, दिस इज़ अ पब्लिक स्पेस, और पब्लिक में जो भी औरत देखेगी वो मुँह उठाएगी। एक औरत के पर दूसरा औरत हाथ नहीं उठा सकता, उसको पिंच नहीं कर सकता, चाहे वो पति क्यों ना हो। आपने जो कहा ना मैम कि मैंने इंस्पायर किया है, और आपने जो सवाल दिया वो भी उसके साथ साथ ही मैं जवाब दे रही हूँ कि मैंने अपने आँख से उस कपल को झगड़ा करते हुए देखा है, वो भी फ्लाइट के अंदर। आई यू इमेजिन मैम कि ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। मैंने उस दिन कुमन त्रिपाठी दीदी और ख्याति दीदी ने मैंने दोनों को बात बोलने का सोचा था कि उन्होंने सुनाया था कि महिमा अभी तुम शायद बाहर की दुनिया नहीं देखी हो, घर की दुनिया देखी हो, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं है कि बाहर में क्या होता जा रहा है। लेकिन सच में ग्रेटफुल कुमुद दीदी, त्रिपाठी दीदी और ख्याति दीदी, मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आपने कहा था कि ये चीज़ आप याद रखिएगा महिमा। और सच में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, मेरे फैमिली सर्कल में भी होता होगा, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे फैमिली सर्कल में नहीं होता होगा, होता होगा, ज़रूर होता होगा, लेकिन घर के अंदर होता होगा तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर में मैंने जो देखा ना, मैं तो खुद थिरक गई। इस कांट टू बिलीव इट कि ऐसा भी दुनिया होता है कि जब पति पत्नी में इतना झगड़ा हो, वाई और पत्नी पर पत्नी जब पत्नी पत्नी जब पति पर थप्पड़ उठाती है तो क्यों मारा, पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। जब औरत पे मार पड़ती है तो यार औरत ही कुछ करी होगी, जैसे डिम्पल ने कहा कि जरूर पाखी की गलती है, वाई पाखी की गलती है, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हो, समर तो हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ इग्नोर करके चल रहा है वो तो करेगा ही, क्योंकि कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो अपना हस्बैंड हो चाहे किसी और का हस्बैंड हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि कैसे मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ जाती है, तुमने तो सामान फेंकने की कोशिश की, यहाँ तक कि कंबल जो तुम्हारे बेड पे जो चद्दर लगा हुआ था उसको भी तुम गिराने की कोशिश की, उस पर चिल्लाने की कोशिश की, तब तो समर तो तुमने कुछ नहीं किया। आज तुम अधिक का साइड ले रही हो, क्योंकि बोलते हैं ना भाई बहन एक तरफ और जमाई और बहू एक तरफ। आज मेरे मुंह से ये बात निकलेगा, मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। और मैम आप ये बात सोचे होंगे कि महिमा बहुत स्टेज में बोल रही है, टेंशन में बोली, मुझे टेंशन है ही नहीं, आई एम वेरी इग्नोर। और एक चीज़ मैम आपसे आज एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अनुपमा सेट पे मुझे लगता है, क्योंकि आगे का स्टोरी मैम आप लोग खुद भी बताते रहते, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि पाकी सेल्फिश हो जाएगी, वो सेल्फनेस नहीं होगी, सेल्फिश हो जाएगी, क्योंकि सेल्फिश होगी जब अनुपमा उसको समझाएगी, अकेले में बैठ के बताएगी, अंश कपाड़िया उसे समझाएगा, तो वो ज़रूर सेल्फिश बनेगी कि नहीं मुझे अपने लिए सोचना है, क्योंकि वो पहले से उसको बिहेवियर दिया गया है। और ख़ास सर इस मामले में काव्या जरूर सपोर्ट करेगी, और जिस समय काव्या सपोर्ट करेगी तो वनराज का मन भी पिघलेगा कि नहीं, जब वो पाखी को इतना इंस्पायर कर सकती है, जब हम लोग इतना समझा रहे हैं, पाखी हम लोग की बात नहीं मानी, काव्या की बात मानी है, तो ज़रूर काव्या के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेगा।
मुझे आई अंडरस्टैंड लगता है कि मुझे ऐसा कुछ होगा। अब आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे 99% लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बेस्टी बेस्टी करती है वो और काव्या की बातें भी मानती है। और काव्या जब समझाएगी कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, पापा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तो मैंने दो बार उनको छोड़ने की कोशिश की, हाँ वो समझने की कोशिश की, मुझे प्यार करने की कोशिश की और आज भी प्यार करते हैं, तो बात अलग पड़ता है। लेकिन प्यार करके जो धोखा देता है, मारता है पीटता है, तुम्हारे पापा ने तो आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, ना मम्मी पर उठाया ना मुझ पर उठाया, तो उसे समझाएगी तो शायद वो समझ जाएगी और फिर वो सेल्फिश बनेगी, फिर वो अधिक और बरखा के ऊपर चार्जेस भी लगाएगी। आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। अब मैम आप पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आई विल इमेजिनेशन, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन 99% श्योर हूँ कि ऐसा कुछ होगा। और फिर वनराज भी काव्या के अनुरोध का बच्चा को अपनाने के लिए रेडी होगा, उसके इलाज के लिए वो बार बार हॉस्पिटल भी जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। आई अंडरस्टैंडिंग और आई एम वेरी सॉरी मैम आप लोग से और हमारी प्यारी सहेलियों से कि मैं दो दिन से अपना ऑडियो और वीडियो एकदम नहीं दे पा रही थी कि ऑफिस का इतना वर्क और आपको बताए थे कि एनजीओ के बारे में पूरा जिम्मेदारी मुझ पर डाला गया था, तो मैं वो कंप्लीट हो चुका है, डिज़ाइनिंग और सब कुछ प्रेजेंटेशन सब कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ है और कुछ मेरा उस घर का इंटीरियर सजाने का और देखने का तो वो चक्कर भी था, तो मैं उसी लिए थोड़ा हेडेक हो गया था मुझे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ। और मैम आप लोग सबको खुश है ना, और ख्याति दीदी, कुमु त्रिपाठी दीदी, मनीषा दीदी, लता दीदी, सबनम दीदी एंड मनीषा दीदी, बरखा दीदी, लता दीदी और वो जो एक एक मेल जेंडर जो ज्वाइन हुए हैं उनका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वो भी आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं भैया। और स्पेशली जो एक और दीदी जुड़ी है जो अपनी आवाज़ को इंस्पायर करके और उन्होंने जिसने अनुज कपाड़िया के लिए कहा था उनका नाम भी मुझे याद नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। वो दो जन जो नया जुड़े हैं उनका आवाज़ भी बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा बोलते हैं और बोलती हैं। आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और हम सब ने आपको बहुत मिस किया। दो दिन बाद आपका ऑडियो आया है और आपने बताया है कि कैसे कैसे आप मुंबई शिफ्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा जान के। और आपने जो कहा है कि एयरपोर्ट पे फ्लाइट के अंदर जो हुआ वो इंसिडेंट आपने बताया, बहुत अच्छा लगा आपने आवाज उठाई। मगर एक ही आपको सजेशन दूंगी कि जब भी ऐसा कुछ एक्शन करना हो तो साथ में विजडम भी यूज कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने पूरी तरह से विजडम यूज की होगी मगर आगे भी, क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो हम सब जानते हैं कि आपको गुस्सा आता है, तो जोश में होश मत खोइएगा, क्योंकि अब आप बाहर काम करने जा रही हैं तो बाहर ऐसे बहुत सारे केसेस चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के और आपकी तरक्की के लिए हम सब खुश हैं। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।